हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना पापा इस देख रहे हैं। मैं अभी हूँ यहाँ पर, हमने बस अब निकलेंगे आगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना पापा इस घुमक्कड़। गाइज, मैं अपने कुछ दो साथियों के साथ हम अपनी कार में आ गए हैं इस वक्त राजस्थान की ओर, और हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर। ठीक है गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अभी हूँ यहाँ पर, और अभी खाना खाया है हमने, बस अब निकलेंगे आगे। धुंध हो रखी है, अब देखते हैं आगे। जैसलमेर यहाँ से 650 किलोमीटर के आसपास है अभी भी करंट में। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना पापा इस घुमक्कड़। गाइस, मैं बताना चाहूँ आज 31 दिसंबर है 2022। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, और गाइस मैं निकला हुआ हूँ जैसलमेर की तरफ। जैसलमेर हम जा रहे हैं। रात को हमने 10 बजे अपना जो है ट्रिप अपनी चालू करी है, और सुबह 3 बजे के आसपास हम लोग इधर सीकरी के आसपास पहुँचे हुए हैं। यही एक जगह है राजस्थान में ही, ऑन द वे हम। और गाइज सुबह 4 से 5 बजे का टाइम था, और जो है बड़ी तगड़ी धुंध हो रखी थी। ये आप जो रोड देख रहे हैं ना, इधर सामने देखो रोड। गाइज ये रोड है, और इस रोड पे क्या नाम है, इतनी तगड़ी धुंध हो रखी थी कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, अभी देखो कैसे कैसे विजिबल है, ये सब सारी चीज़ें विजिबल है, लेकिन सुबह के टाइम यहाँ कुछ विजिबल नहीं था। आप देखो गाइज, ये सामने होटल पलक पैलेस है। हमने बड़ी ही मुश्किलों से रात को भाई को जगाया, यार ये सामने खड़ा हुआ है, और जब जाके हमने फिर जो है यहाँ पे रूम बुक किया, और फिर हमने यहाँ पर स्टे लिया है। अब वही वापस एक तैयारी है अपनी निकलने की, और चलते हैं। जैसी आके कुछ अपना सफर कंटिन्यू होगा मैं आपको फ़ोन करता हूँ गाइस। ओके दोस्तों, देख लो हम अभी अपनी जो डेस्टिनेशन है 8 घंटे का रास्ता दिखा रही है। ठीक है, 8 घंटे 17 मिनट करीबन 500 किलोमीटर का रास्ता है ये, और फर्स्ट टाइम इतना लॉन्ग ट्रेवल कर रहा हूँ मैं। हालांकि इससे पहले जम्मू वगैरह जा चुका हूँ मैं, लेकिन राजस्थान में इतना लॉन्ग ट्रेवल फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। आप देख सकते हो अभी गाड़ी चल रही है अपनी आगे आगे। अब जैसे जैसे रास्ता कवर होगा तो आगे का मामला पता चलेगा। बाकी चलते हैं गाइस, धीरे धीरे रास्ता कवर करते हैं, और हैप्पी जर्नी एंड फीलिंग गुड इन राजस्थान। गाइस अभी मैं जो हूँ सालासर के आसपास पहुँचा हुआ हूँ। गाइस कल रात से निकले हुए हैं, ठीक है, और अभी तक जो है मैं सिर्फ 450 किलोमीटर का रास्ता तय कर पाए हैं जैसलमेर के लिए। ठीक है, और काफ़ी लॉन्ग ड्राइव हो चुकी है ये, रास्ते बड़े ख़तरनाक हैं यहाँ के। है तो सुनसान, लेकिन यहाँ ट्रक ड्राइवर जो हैं और जितने भी ट्रक चालक हैं भाई, बड़ी गंदी ड्राइविंग करते हैं। ठीक है, पूछो मत, बस बुरा हाल है। ट्रक वाले बड़े बड़े ट्राले देखो जो आ रहे आगे से, ये बड़े बड़े ट्राले जो ऐसे आ रहे हैं ना, इनने बिल्कुल नाक में दम कर रखा है। ये नहीं मानते बिल्कुल किसी की भाई, ये लेके जाते बिल्कुल पाटो पाट भाई, और बड़ा बुरा हाल है यहाँ पर। ठीक है, वही वाली बात है कि अपने हाथों में सावधानी, जितना ध्यान से चलाओगे उतना बढ़िया है। है तो खाली रास्ते, लेकिन पर क्या है कि ये जो ट्रक चालक हैं इनके कारण बड़ी दिक्कत होती है नॉर्मल गाड़ी वालों को। बाकी ठीक है गाइस, कंटिन्यू कर रहे हैं अपना रास्ता आगे। 400 किलोमीटर की ट्रिप रहेगी हमारी जैसलमेर के लिए। ठीक है गाइस, करते कंटिन्यू आगे। हेलो दोस्तों, देख लो कैसे गाड़ी चल रही है बैक टू बैक। कल रात से निकले हुए हैं, अब तक गाड़ी ही चल रही है। सामने का नज़ारा देख लो, राइट साइड कैसे बंजर सी जगह पे आ गए बिल्कुल। सोचा तो ये था कि जैसलमेर में बढ़िया मज़े लेंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि जैसलमेर तक पहुंचने में हवा इतनी ज़्यादा टाइट हो गई। सामने का व्यू देखो एक बार, ये कैसा है। साइड में देखो, लेफ्ट साइड कैसा व्यू है। जब से ये बंजर ही बंजर इलाका देखे जा रहे हैं, तब से कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और 450 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और रोड है सिंगल साइड रोड है। ठीक है, और आगे से ट्रक वाले टेम्पो वाले बड़ी तगड़ी स्पीड में लेके आते हैं ये, और
आइड साइड बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, और इनको ओवरटेक करना और गाड़ी निकालना भाई बड़ा जोखिम भरा काम हो रखा है। हाँ लेकिन एडवेंचरस फील आ रही है क्योंकि हम हमेशा पहाड़ों पे ही जाते थे, अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि राजस्थान घूमने आए हैं डेजर्ट में यहाँ पर। बाकी अब जब पहुँच जाएंगे उसके बाद का फिर आपको नज़ारा बताएंगे। बाकी कुल मिला के बढ़िया मज़ा आ रहा है, सामने देखो कितना बढ़िया बेहतरीन रोड है, फुल राजस्थान वाली फील दे रहे हैं। बाकी 3-4 घंटे से सुबह निकले थे होटल से 11 बजे 11:30 के आसपास, और तब से गाड़ी चला ही रही है। इस वक्त टाइम भी आपका हो गया है 5 बजने वाले, 5 बजने में सिर्फ 6 मिनट है। आप देखो आगे कैसे कैसे रास्ता है, एकदम से कभी गाय सामने आ जाती है, कभी कुछ सामने आ जाता है, बड़ा मुश्किल है। गाइस शाम होने वाली है, 5 घंटे 14 मिनट का रास्ता अभी भी रह गया है, ये सनसेट होने वाला है बिल्कुल। अब गाड़ी से निकल के देखते नज़ारा यहाँ का कैसा, क्या कुछ नज़ारा है देख लो गाइस। जैसलमेर पहुँचते पहुँचते हम भी जैसलमेर ही हो गए हैं बिल्कुल, नज़ारा देख लो कैसा है, वो सनसेट होने वाला है बिल्कुल। ये देख लो राजस्थान, द ब्यूटी ऑफ राजस्थान, देखो गाइस। और मैं आपका होस्ट बाबा इस घुमक्कड़, जो कि ड्राइवर बन चुका है, और ड्राइवर वाली फीलिंग आ रही है अपने को बिल्कुल, क्योंकि 700-750 किलोमीटर का रास्ता कल रात से निकले हुए हैं घर से, अब तक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए हैं। कोई नहीं, काम यही है हमारा घूमने का, देख लो आप ये नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा। और इसके साथ अपनी गाड़ी जो कि हमारे साथ फुल कॉर्पोरेट करके चल रही है अभी, सही मज़े आ रहे हैं गाइस। गाइस रास्ता देख लो इस वक्त कैसा हो रखा है, और हमें अभी 300 किलोमीटर का सफ़र और करना है जैसलमेर के लिए, और आप मान के चलो कि हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि सुबह से गाड़ी चल ही रही है, और एडवेंचरस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल साइड रोड है, पूरा रास्ता सिंगल साइड ही था यार, आगे से बंदे आ रहे हैं। अब ये देखो मैंने इसको पास मार रहा हूँ, ये ना पास नहीं देख रहा बिल्कुल भी, ये देखो हाई बीम में चला रहा बंदा, क्योंकि यहाँ सब यहाँ नहीं है भाई, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होगी तो कोई नहीं है, परिजनों तक कुछ पता ही नहीं चलेगा कहाँ है मामला। तो बाकी हाँ एडवेंचरस है, जैसलमेर पहुँचने के बाद काफ़ी मज़ा आने वाला है, और इस वक्त अभी हम रास्ते में ही है, मतलब नागौर रोड पे है, सीकरी क्रॉस कराया हमने, चलो चलते हैं गाइस आगे। हाँ तो दोस्तों बाबा इस घुमक्कड़ आ चुका है जैसलमेर में, और ये अपने लोकल भाई हैं कुछ यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है, और सारे अभी अपना चैनल सब्सक्राइब करेंगे बाबा इस घुमक्कड़ के नाम से। तो भाई बोल दो एक बार, हेलो बोल दो जनता को, हम जैसलमेर से हैं, हम जैसलमेर से जी, जैसलमेर का प्यार है जी आप सभी को, और हैप्पी न्यू ईयर, आज 1 जनवरी 2023 है गाइज, और इन भाइयों के साथ और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।